हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी हेयरऑयल तेल के बारे में। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जिन्होंने भी मेरे पिछले वीडियो जो देखे हैं, तो काफ़ी लोगों का एक ही सवाल है कि आदिवासी हेयरऑयल तो तेल जो है उसको कैसे ऑर्डर करना है, कैसे मंगवाना है। अगर उन लोगों ने तेल अगर ऑर्डर कर लिया है तो तेल कैसा है, और तेल की वो जो थिकनेस है वो कैसा है, कलर कैसा है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जो मेरा व्यूअर थे, तो उसका एक क्वेश्चन था कि सर जो आपने नंबर दिया है उस नंबर पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम वीडियो कॉल करते हैं या कॉल करते हैं। तो जो विनय सर हैं, जिनका मैंने नंबर आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो उस पर रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। तो अब वो रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सिंपली हमको क्या करना है कि जो मैंने नंबर दिया हुआ है, मैं आपको फिर से एक बार नंबर बता देता हूँ कि वो नंबर क्या है। मैंने जो नंबर आप लोगों को बताया था वो 8088044886, ये उनका नंबर है और ये विनय भाई है। तो आप सिंपली इनको सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको एड्रेस लिखना है और ये आपको कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उनको ये व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। अगर आपको ये नंबर से नहीं मंगवाना है तो दूसरे नंबर से भी मंगवाना है। तो आप लोग देख रहे होंगे अभी यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस अभी चल रहे हैं का कि हिक्की बिक्की के जो आदिवासी लोग हैं मैसूर के रहने वाले कर्नाटका के, तो उनके जो भी यूट्यूबर वहां पे जा रहे हैं उनके पीछे जो पोस्टर पे जो नंबर लिखा हुआ है, आप लोग उस नंबर पे व्हाट्सएप करके या उनसे बातचीत करके ये तेल मंगवा सकते हैं। बिकॉज क्या हो रहा है, मेरे अभी जो दो तीन व्यूअर थे उन लोगों ने तेल मंगवा लिया, उन लोगों को ये तेल 500 ml 1500 रुपये का है, तो उन लोगों को ये तेल महंगा लग रहा था, तो उन लोगों ने दूसरी किसी साइट से ऑर्डर करके मंगवाया। इतनी छोटी छोटी बोतलों में 100 ml का आया है 150-150 रुपये का, लेकिन उन लोगों ने फिर मुझे बताया कि सर ये तेल अच्छा नहीं है, डुप्लीकेट है। तो लेकिन वो तेल डुप्लीकेट ही था, ओरिजिनल नहीं था, इसलिए वो तेल अच्छा नहीं था। और जो दूसरी मैं बात कर दूँ इस तेल के कलर की, तो ये जो तेल है ये काला तेल है, देखो पूरा काला तेल भी नहीं है, ये सरसों का तेल है। मैंने जो तेल मंगवाया था सरसों के तेल में जड़ी बूटियाँ मिक्स करके मैंने मंगवाई थी, तो मुझे उन्होंने सरसों के तेल में सारी जड़ी बूटियाँ मिक्स करके दिया हुआ है। तो काफ़ी जो व्यूअर है वो लोग बोलते हैं कि ठंडी में हमारा तेल जम जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये ठंडी का पूरा सीज़न चला गया है, मेरा तेल मैंने रखा हुआ था, इस तेल में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है और तेल बिल्कुल भी जमा नहीं है। ठीक है गाइस, तो मतलब ये तेल ठंडियों में मेरा तो नहीं जमा, अब किसी और का जम गया है कि काफ़ी मैंने भी वीडियो देखे हैं कि लोगों के तेल जो है ऑयल है वो जम जा रहा है। तो जो मैंने ये जो तेल लिया है उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई है। और दूसरा कि इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ इसको ऐसे करना है कि आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हफ्ते में 3 बार लगाना है, 4 बार लगाना है, रात को लगाना है और सुबह आप वॉश भी कर सकते हो। जेंट्स को तो काफ़ी ईजी होता है कि रात को लगाए और सुबह यूज़ कर दिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ना हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना है। अगर हम हेयर ड्रायर अगर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं हम तो हमारा जो हेयर फॉल उससे ज़्यादा होने लगता है। आप लोग अगर 15 दिन 20 दिन भी ये तेल लगाते हो तो आपको 101% इससे फ़ायदा मिलेगा। मुझे इसका फ़ायदा मिला है और काफ़ी जो मेरे व्यूअर थे उन लोगों ने भी कमेंट करके बताया है कि सर ये सही में ये तेल काफ़ी अच्छा है, और कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि ये तेल फालतू है, नहीं अच्छा है। तो ये सबका अपना एक ओपिनियन है, लेकिन ये तेल मैंने तो मंगवाया, मुझे तो फ़ायदा हुआ इससे और काफ़ी लोगों को भी फ़ायदा हुआ इससे। तो आप लोग इस तेल को मंगवा सकते हो। और गाइस आप लोगों का जो भी कमेंट है वो प्लीज़ वीडियो में कर देना, मैं उसका आंसर 101% दे दूंगा। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू गाइस।